नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। चंबा की सराहन पंचायत जिला की ऐसी पहली पंचायत बनी है जहां पर पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से शराबबंदी को लागू किया गया है। नव निर्वाचित ग्राम सभा की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया और सभी पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत की जनता ने भी इस प्रयास की सराहना की। नशा मुक्ति को लेकर चंबा के क्रिया वार्ड के जिला परिषद मनोज कुमार द्वारा पहले भी काफी प्रयास किया गया था और अब जिला परिषद बनने के बाद उनके द्वारा उनकी पंचायत सराहन में इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया, जिसे क्षेत्र के प्रधान पवन कुमार व सभी वार्ड सदस्यों और स्थानीय जनता का सहयोग मिला। ग्राम पंचायत की पहली जनसभा में बीपीएल के लिए नाम चयनित किया गया और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना, चलो चंबा अभियान आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। और जिन्हें बोलते हैं गरीब, बड़े सारे घर हमारे इतने ग्राम इस तरीके जो मिलते कि बोलते हैं गरीब शामी उलास नहीं होता, लेकिन सजा जो 300-400 की शराब पी जाते क्या वो गरीब? उस एक शराब पीने की बदौलत हमारा पूरा समाज क्या खराब होया करता, पूरा समाज क्या खराब करता, हमारी हकी धीरे दुनिया कुतरी कुत चांद बचारी और हमारे बच्चे कुत। और मैं सारे का पहले हमारे प्रधान जी जो मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबे की पहली पंचायत ग्राम सभा अज निर्णय लिते गया, पहली पंचायत ग्राम पंचायत सराहन बनी है जिन्होंने शराबबंदी का निर्णय लिता और मैं इन्होंने बहुत बहुत शुक्र गुजार है। कुछ जो लगता मैं गरीब है कोई शराब के धंधे वगैरह करे करते हैं प्रधान पवन कुमार पंचायत ग्राम सराहन का प्रधान और आज हमारी ग्राम सभा का चुनाव हुआ है, उसमें जो 350 जनता ने भाग लिया है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी पहली बार इतनी जनसभा से ग्राम सभा को सम्मानित किया है। और जो हमारे इसका सल्प मनरेगा सल्प था वो डाला गया है और जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में चर्चा की गई है और बीपीएल में जो चर्चा की गई है, बीपीएल में जो हमने 8 परिवार को डाला गया है उसमें जो आदमी थोड़े कैंसर एक आदमी जो नीटू राम है वो कैंसर का मरीज है और दूसरा जो प्यारो लाल है वो किडनी का मरीज है और उनको हमने बीपीएल में डाल दिया गया है। और इससे सारी जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ इतना सहयोग देकर ग्राम सभा को समाप्त किया है। और उसके बाद मैं चंबा हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरी पंचायत में दूसरी और तीसरी बार जो है इन्होंने चंबा हलचल ने मेरी पंचायत को और आगे ले जाने के लिए मेरा भरपूर सहयोग किया है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ चंबा हलचल का। सबसे पहले मैं इनका लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो पहले इस जो नशाबंदी के दौरान जो निर्णय लिया गया जनता का, जो हमारे गांव में जो ठेका शराब और जो जैसी भी शराब चलती थी उनको बंद करवाने का पहला निर्णय लिया गया, उसका मैं तहे दिल से 350 आदमी का धन्यवाद करता हूँ।